निखिल, क्या रिएक्शन था आपका जब आपको अप्रोच करा गया फिल्म के लिए, द डार्क साइड ऑफ मुंबई सिटी? अप्रोच जब किया था तो मेरा रिलेशन कुछ नहीं था, इसलिए कि फिल्म की कहानी मुझे पता नहीं थी और तारिक सर के बारे में भी मुझे पता नहीं था। पहली बार हम मिलने वाले थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने मुझे कहानी बताई फिल्म की, उस वक्त मेरी रिएक्शन तो स्पीचलेस हो गया था मैं। और मुझे याद, हमने कुछ समय के लिए बात ही नहीं की थी एक दूसरे से, बस शांत बैठे रहे थे कि क्या कैसी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तारिक सर ने मुझे वो कहानी ब्रीफ की थी, तो फिर उसके बाद ना कहने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। बस मैंने उसको हाँ बोल दिया और हमने काम शुरू किया। ओके, आप अपने करेक्टर के बारे में बताइए थोड़ा सा, आपके किरदार क्या है, क्या किरदार निभाते नजर आएंगे? मेरा मेरे किरदार का नाम इसमें निखिल रत्नपारखी ही है, जो मेरा रियल नेम है। ये जो बंदा है, ये और उसकी बीवी छोटे शहर से बम्बई शहर आ जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे बम्बई में जिंदा रहने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, ये इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। तो हर दिन स्ट्रगल इस मतलब छोटे छोटे चीज़ों के लिए जब उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो कैसे उनके सपने बिखर जाते हैं, कैसे उनको हर दिन संकटों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अल्टीमेटली वो क्या डिसीजन लेते हैं, ये मेरा पूरा ट्रैक है। ओके, लेकिन ट्रेलर जितना भी आउट ट्रेलर से पता चलता है कि द फिल्म टॉक्स अबाउट सुसाइड, स्पेशली द केसेस व्हिच हैपेंड इन मुंबई, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कितना स्ट्रांग मैसेज कैरी कर रही है फिल्म जब हम सुसाइड की बात करते हैं? नहीं, हर कोई इसे, जैसे बम्बई की बात नहीं है, ये कोई भी शहर हो जहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। पैसों के लिए तो है ही, लेकिन सिर्फ मुझे सांस लेने के लिए भी अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो ऐसा ऐसी कठिनाइयाँ आ सकती है कि जहाँ पे आदमी ये डिसाइड करे कि भाई बस इससे आगे मैं नहीं जी सकता, मैं सुसाइड कर दूँगा। ऐसे मैंने हाल ही में कहानी का कहावत सुनी थी कि भाई सुसाइड करना आसान है, कोई हमारी तरह जी के दिखाए बम्बई में। तो इससे तो मेरे ख्याल से सुसाइड करना जो है वो अच्छी बात नहीं है, हर कोई जान सकता है, मतलब समझ सकता है, लेकिन यही फिल्म में दिखाया गया है कि कैसी कठिनाइयां आती है कि जहां से ज़िंदगी के में आगे रास्ता बंद होता है, तभी आदमी सुसाइड करने पर मजबूर होता है। तो वो फिल्म की कहानी है, मतलब 5-6 फैमिलीज है, उस फैमिलीज की कहानी है वो, और हर किसी का मकसद एक ही है कि सुसाइड, और किस तरह से वो जुड़ी हुए, वो मकसद एक दूसरे में कैसे जुड़ा हुआ है, वही पूरी फिल्म की कहानी है। हम अगर फिल्म के कहानी की बात करें या उस स्टोरी लाइन की बात करें या फिर मेरे किरदार की बात करें, तो मैं और पारुल एक वर्किंग कपल है बम्बई में, और हमने से जो कठिनाइयाँ आती है और हम सुसाइड करने का फैसला करते हैं, उसी तरह और भी कुछ फैमिलीज़ है जिनमें वो अलग अलग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनके सामने यही एक मकसद है कि अभी सुसाइड करें, और किस तरह से वो एक दूसरे चीज दूसरे से जुड़ी हुई है कहानियाँ, ये फिल्म को इंटरेस्टिंग बना था, या क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं, इसमें वो क्यूरियोसिटी वाला पार्ट आता है और बेहतर इसी उसी और यही फिल्म को बेहतरीन बनाते हैं चीज़ें। डार्क साइड ऑफ मुंबई सिटी, इस फिल्म की अगर हम बात करें, जैसे ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें अलग अलग कहानियाँ दिखाई गई है, इस फिल्म में भी अलग अलग कहानी है, लेकिन एक ऐसा कोई पॉइंट है जो एक दूसरे से बहुत गहरी तरह, बहुत गहरा संबंध है एक दूसरे, एक फैमिली, एक कहानी से दूसरे कहानी कहानी से। ये फिल्म ये ज़रूर कहती है कि किस तरह हालात बनते जाते हैं, गलत हालात बनते जाते हैं, और आदमी सुसाइड करने का फैसला करता है। जैसे बम्बई सिटी में ये काफ़ी हो चुका है, जैसे ज़िया खान हो, जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया, चाहे किस हालात से वो गुजर चुकी होगी अभी तक, मतलब इसमें वही दिखाने की कोशिश की गई है कि किस हालात तक आदमी इस हालात तक आदमी क्यों आता है, ठीक है, लेकिन उसमें एक प्यारा मैसेज है कि आगे भी ज़िंदगी है, होप जिसे हम कहते हैं, किस यही अल्टीमेटम नहीं है कि आप परेशानी आ गई है तो आप सुसाइड करो, नहीं, देर इज़ ऑलवेज न्यू वे टू योर लाइफ, कि हर अगर कठिनाइयां हैं
तो आगे रास्ता भी है, वहाँ पे रास्ता बंद नहीं होता है। वो होप जो है, फुल ऑफ होप, उसके बारे में ये फिल्म है। निखिल, क्या मानते हैं आप फिल्म की क्या यूएसपी होगी जब ऑडियंस देखेगी, क्या आपको लगता है? मेरे हिसाब से यूएसपी की अगर बात करें हम, तो फिल्म का मैसेज जो है वही फिल्म की यूएसपी है। जैसे कि कितनी भी कठिनाइयां हो लाइफ में, तो उसका सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है, उसके आगे भी रास्ता है। ऐसा नहीं कि आप सुसाइड करो, आप ख़त्म करो लाइफ को, नहीं नहीं, देर उम्मीद, हर जगह उम्मीद है ही, उम्मीद की एक किरण जिसे कहते हैं वो है ही, और यही अच्छा मैसेज फिल्म में दिया गया है जिंदगी। और हम ऐसे नहीं कि हम किसी को सिखा रहे हैं या कोई हम टीचर का भूमिका ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम एक मैसेज दे रहे हैं कि आप सुसाइड, अगर आप उस हालात तक पहुंच गए हो तो एक बार सोचो, वो एक बार सोचो वाला जो मैसेज है वो इस फिल्म से हम दे रहे हैं कि अब सोचना ये है कि मैं सुसाइड नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म करो, नहीं, वो मैसेज ये फिल्म देती है। मेरे ख्याल से वही इस फिल्म की यूएसपी है। हाँ, तो मतलब थोड़ा इमोशनल हुआ था, इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ था, इसलिए कि मेरा काम है वो, हर रोज़ मैं वो करता हूँ। तो हाँ, लेकिन मैं वो कहाँ, कुछ ना कुछ तो सेंस ज़रूर हुआ था कि ये कैरेक्टर अगर अगर सचमुच मैंने कभी इस तरह की कठिनाइयाँ मेरे लाइफ में कभी नहीं आई, मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है कि जहाँ जो हालात मुझे सुसाइड तक ले जाए। लेकिन अगर ऐसा बंदा है, अगर इस ऐसे बंदे का अगर मुझे किरदार निभाना है, तो जिस तरह से मैं इमेजिन कर रहा था कि क्या क्या हो सकता है इसके बारे में, तो मैं इमोशनल हो गया था ज़रूर। लेकिन कोई ऐसा सीन जो आपको बहुत याद रहा हो? एक सीन था फिल्म में कि पारुल और मैं, जैसे मेरी बीवी और मैं, ये फैसला करते कि बस अभी यहाँ से ज़िंदगी ख़त्म कर दें और सुसाइड कर दें, लेकिन वो तय करते हैं कि अभी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो जो भी कुछ हम अच्छा कर सकते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए वो करते हैं। अच्छा खाना खाते, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे अच्छा खाना खाते हैं, वो जो खाना लेके आता है उसके लिए उसको वो 500 रुपये टिप देते, 500 क्या मेरे ख्याल से, जहाँ जितने पैसे अभी रख लो भाई, अभी वैसे ही खत्म होने तो रख लो, इस तरह का उनका रवैया अपनी ज़िंदगी भर। तो मुझे वो बहुत पार्ट अच्छा लगा था। और एक सीन है भी फिल्म में कि वो बोलते हैं चलो पारुल वैसे भी ख़त्म होना है, तो चलो अच्छा खाना खाते हैं आज, जो भी पैसा है वो लगा देते हैं खाने पर। ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका तारिक के साथ काम करने? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। जिस तरह से वो फिल्म में, बहुत एक्टर को बहुत कम काम करने को, कम काम इन द सेंस वो इतना अच्छा ब्रीफ देते हैं, को आप देते हैं कि अपने आप वो कैरेक्टर विजुअलाइज हो जाता है और एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा काम या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा वो कहते हैं उतना करो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएगा। इज़ वेरी गुड डायरेक्टर। ओके, महेश भट्ट फिल्म का हिस्सा है, ये कितने प्राउड की बात है? सर यही प्राउड की, बहुत प्राउड की। मेरे ख्याल से पहली बार महेश सर इस फिल्म, मतलब फिल्म में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, तारिक सर के लिए भी बहुत बड़ी बात है, हमारे टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। सही। ओके, महेश भट्ट की एक्टिंग ने कितना प्रभावित किया, क्या आपके कोई सीन उनके साथ थे? नहीं, मेरे, जैसे मैंने कहा कि इसमें अलग अलग फैमिलीज के अलग अलग कहानियाँ हैं, तो उनकी एक अलग फैमिली है, उनकी एक अलग कहानी इस फिल्म में है, लेकिन उस कहानी का ताल्लुक कहीं ना कहीं मेरे कहानी से है। और कुछ सोचते निखिल आप फिल्म के बारे में, जिस तरह की फिल्म में एक बहुत ही प्यारा मैसेज देती है कि भाई सोसाइटी, हाँ, सब बातों का समाधान नहीं है जिंदगी में, और भी बहुत कुछ। बिल्कुल, यही ये जो मैसेज है, जैसे हम देखते हैं कि मैंने तो काफ़ी बार न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा है कि बच्चे जैसे रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सुसाइड कर लिया, माँ बाप ने कुछ बोल दिया तो सुसाइड कर लिया, तो उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और ये फिल्म कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या कुछ ऐसी जगह पे देखनी चाहिए उन बच्चों को या फिर उन काउंसलर को कि ये क्या मैसेज देती है ये फिल्म। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, इस फिल्म को टैक्स फ्री करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, इतना अच्छा जो मैसेज जा रहा है फिल्म से, तो वो उसको ज़रूर देखें।